नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और आपके सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। आज का ये द 11 मिनट शो वास्तव में आप सभी को खुश कर देने वाला शो है। आज के इस शो को जब आप कंप्लीट करके एंड कर रहे होंगे तो मेरा वादा रहा आपसे, आज आप दिल से मुझे बोलोगे लव यू सानू सर, आज आपने वास्तव में दिल गार्डन गार्डन कर दिया। क्योंकि जो अपनी सबसे मजबूत एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्ट है हमारे पूरे एग्जाम का, दैट इज वकैब्स, उसमें भी जो एंटनम सनोनम आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, आज उनको मैं अपने ट्री मेथड से पढ़ाने वाला हूं। यानी आज का 11 मिनट शो कंप्लीटली रिवीजन को डेडिकेटेड होगा और रिवीजन इतना दमदार तरीके से करवाऊंगा कि आप खुद से बोलोगे सर मजा आ गया। देखिए भैया वेरी आ गया, आज ये 10 ट्रीज रिवाइज करवाऊंगा, 10 ट्री पढ़े हुए ऑलरेडी आप सभी के हैं और लास्ट में आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है ना। और यही पीडीएफ नहीं दूंगा, वन वर्ड्स की, इडियम्स की और बेटा अपने स्पेलिंग्स की और एंटोनिम सोनोनिम की सब की पीडीएफ आज आपको मैं देकर के जाऊंगा। तो ध्यान से आज बस ईमानदारी से बेटा कोई कुछ नहीं लिखेगा, केवल मेरे प्यारे बेटा आने वाले लगभग 30 मिनट आज आप मुझे सुनोगे चिल मूड के साथ, बिल्कुल ठीक है। चलो शुरुआत करता हूं। द वर्ड इज बेटा वेरी, याद करो वेरी यानी कि मेरा दोस्त क्या है, वेरी 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 है यानी सावधान है भैया, मेरा दोस्त क्या है, वेरी 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 है यानी बेटा सावधान है। ये किसी की विशेषता हुई यानी बेटा ये एडजेक्टिव हुआ तो इसके सिनोनिम आप याद करिए, अवेयर अलर्ट एक्टिव अटेंटिव, क्या बेटा अवेयर अलर्ट एक्टिव अटेंटिव, कॉशियस हीडेड केयरफुल वॉचफुल गार्डेड सर्कमस्पेक्ट विजिलेंट और आपका कॉन्शियस, इन सभी का एक ही मीनिंग है यानी कि बेटा सावधान होना। बोलो चलो जल्दी से हो जाओ बेटा शुरू, अरे बोलो यार जल्दी से, अवेयर अलर्ट एक्टिव अटेंटिव कॉशियस हीडेड केयरफुल वॉचफुल गार्डेड सर्कमस्पेक्ट विजिलेंट और आपका कॉन्शियस। अपोजिट देख लो बेटा, एंटनम्स आपका इनएक्टिव लेजी स्लोथफुल अपैथिक स्लगिश स्टोइक, क्या बेटा स्टोइक, इनकॉशियस अनहीडेड, क्या बेटा इनकॉशियस अनहीडेड हीडलेस, अनहीडेड को क्या बोलेंगे हीडलेस, केयरलेस स्लैक लिथार्जिक रेकलेस परफंक्शनरी अनगार्डेड आपका इंडिस्क्रीट और आपका ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेटा भुलक्कड़, क्या होता है मेरे प्यारे बेटा ऑब्लिवियस का मीनिंग भुलक्कड़, बोलो जल्दी से क्या होता है बेटा भुलक्कड़। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने होंगे, वेरी वेरी यानी बेटा सावधान, सावधान को आप क्या बोलते हैं अलर्ट एक्टिव अटेंटिव कॉशियस हीडेड गार्डेड सर्कमस्पेक्ट विजिलेंट वॉचफुल और आपका मेरे प्यारे बेटा क्या कॉन्शियस, इसका अपोजिट क्या होता है इनएक्टिव लेजी स्लोथफुल अपैथिक स्लगिश स्टोइक इनकॉशियस अनहीडेड हीडलेस केयरलेस स्लैक लिथार्जिक आपका रेकलेस परफंक्शनरी अनगार्डेड इंडिस्क्रीट और आपका ओब्लिवियस। चलिए एक शब्द बढ़िया से लपेट दिया, सेकंड वर्ड पर आता हूं, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एडोर, क्या बेटा एडोर, एडोर में कुछ चीजें याद रखना बेटा, एडोर यानी मेरे प्यारे बेटा किसी चीज से प्यार करना, क्या करना किसी चीज से प्यार करना, किसी चीज का सम्मान करना। अब करना है तो ये वर्ब है, जैसे कि आपका लव अफेक्शन डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति समर्पण, समर्पण यानी बेटा स्नेह, भाई डिवोशन किसके लिए होगा जिससे आप प्यार करते होंगे, ऐसा तो है नहीं किसी भी राह चलते इंसान के लिए डिवोशन कर बैठोगे ये ले आज से ये दिल तेरा हो गया ना बेटा तो भैया वर्शिप, वर्शिप यानी बेटा प्रार्थना करना। तो होमेज रेवरेंस और ट्राइब्यूट, इन तीनों को याद रखना बेटा, इन तीनों का मतलब सम्मान भी होता है और आपका बेटा श्रद्धांजलि भी होता है, होमेज श्रद्धांजलि होता है ट्राइब्यूट श्रद्धांजलि होता है, ग्रीट आप सभी जानते हैं रेस्पेक्ट आप सभी जानते हैं, इसका अपोजिट सबसे इंपॉर्टेंट बेटा हेट नफरत करना स्कॉर्न घिनाना हेट्रेड नफरत डिसगस्ट एवर्शन, एवर्शन यानी लाडले ईर्ष्या, क्या होता है मेरे भाई ईर्ष्या, ठीक है। लोथ आपको पढ़ा रखा है आज भी पढ़ाया था 5 बजे LOATHE लोथ यानी बेटा घृणा करना, क्या मेरे बेटा घृणा करना, और अगर मैं कह दूं LOATH लोथ यानी बेटा अनिच्छुक, हाँ बेटा अनिच्छुक जिसको आप क्या बोलते हैं रिलेक्टेंट, क्या बोलते हैं रिलेक्टेंट, आप मुझे बताओ मैंने आज पढ़ाया था आपको मोरल और बेटा मोरेल में क्या डिफरेंस होता है, हाँ जी जल्दी से याद करो बेटा, आप सभी को मैं पढ़ाता हूं क्या डिजर्ट DESERT डेजर्ट, एक वर्ड होता है बेटा DESERT डेजर्टेड
एक वर्ड पढ़ाता हूँ बेटा डी ई डबल एस ई आर टी डिजर्ट, और एक वर्ड पढ़ाता हूँ बेटा डी आई डबल एस ई आर टी डिजर्ट, डी आई डबल एस ई आर टी डिजर्ट। जल्दी बताओ इनमें क्या डिफरेंस होता है, अरे कमेंट करो यार, भले ही रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, क्या तुम एक्टिव होकर नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, करो जल्दी कमेंट। आप बोलोगे सर मोरल जो होता है, मोरल का मतलब होता है कि जो हमारा खुद का एक तरीके से विवेक होता है, और जो मोरल शब्द है बेटा क्या लाडली, मोरल, मोरल का मतलब होता है, जैसे बोलता हूं कि हमारे मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए, क्या हाई होना चाहिए बेटा, हमेशा हमारा मोरल हाई होना चाहिए। तो आप सभी बोलेंगे कि सर मोरल और मोरल, मोरल यानी बेटा हमारा हौसला, हाँ जी बेटा, मोरल क्या होता है लाडले, हौसला, और मोरल यानी बेटा जो हमारा खुद का एक तरीके से नैतिक चीज होते, दैट इज सो कॉल्ड बेटा अपना नैतिक, ठीक है। इसी प्रकार से आपको डेजर्ट वाली चीजें मैंने बड़े अच्छे से क्लियर की हुई है, आप याद करो बेटा डी ई एस ई आर टी डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, हाँ भैया डेजर्ट क्या होता है बेटा, सीधा सीधा रेगिस्तान होता है बेटा, और रेगिस्तान से ही आपको मैंने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, आप बोलोगे सर डिजर्टेड यानी कि जो सुनसान है, वीरान है, जो जहां पर कोई भी नहीं रहता, दैट इज सो कॉल्ड बेटा आपका डिजर्टेड हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा लाडली, डिजर्टेड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, वीरान हो गया, ये हो गया वीरान, ये हो गया बेटा रेगिस्तान। और डेजर्ट मिठाई जो खाना खाने के बाद में खाते हो, दैट इज बेटा डिजर्ट। और भाई डिजर्ट यानी सोच विचार करना, जिसको आप बोलते हैं कॉगिटेट, क्या मेरे प्यारे बेटा कॉगिटेट यानी बेटा जी मेरे मेडिटेट, क्या मेरे दोस्त मेडिटेट आप जिसको बोल देते हैं, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत है। तो लोथ यानी बेटा घृणा करना, जिसको आप क्या बोलते हैं अभोर, क्या बोलते हैं बेटा अभोर, यहां देखो लिखा हुआ नहीं है तो इसको याद रखना बेटा अभोर, अभोर यानी लाडली घृणा करना, क्या मेरे प्यारे बेटा घृणा करना, जिसको आप बोलते हैं एबोमिनेट, एबोमिनेट का मीनिंग भी क्या है सीधा सीधा घृणा करना ही होता है बेटा, एबोमिनेट यानी दोस्त घृणा करना, डिटेस्ट यानी बेटा घृणा करना, डिटेस्ट है कहीं पर, डिटेस्ट 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 नहीं है, चलो लिख लो, डिटेस्ट यानी बेटा घृणा करना, अबोर घृणा करना, और बेटा अबोमिनेट, अबोमिनेट यानी मेरे प्यारे बेटा घृणा करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, डिसलाइक नफरत करना, डिबोस किसी को गला कहना, डिसरेस्पेक्ट हो गया, डिनाउंस बेटा पद से त्याग देना, डेस्पाइज आलोचना होता है, डिटेच्ड बेटा अलग थलग होता है। तो ये सारे वर्ड आप सभी को याद हो जाने चाहिए, बताओ भैया बात क्लियर हो गई, अरे बात क्लियर हो गई ना, आप बोलोगे सर डन डना डन, चलो बेटा लाइक कर देना दोस्त, ज्यादा मेरी इच्छाएं होती नहीं है, बस आपका प्यारा सा मुझे लाइक चाहिए, और मुस्कुराते हुए जो आप दिल फेंक के मारते हो ना एकदम बढ़िया से, वो दिल चाहिए बेटा, ठीक है ना, रेड हार्ट बिल्कुल बढ़िया से। चलो भाई डेफ्ट, आप सभी आजकल अपनी वकेप्स में क्या होने लगे, डेफ्ट होने लगे, आप पारखी होने लगे, आप अनुभवी हो गए हो, अब आपको एकाएक ही एंटोनिम्स संनम परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी क्या हो बेटा डेक्स्ट हो, डेक्स्ट्रस हो, क्या हो मेरे प्यारे बेटे डेक्स्ट्रस हो, डेक्स्ट्रस यानी एड्रोइट हो, एड्रोइट हो यानी बेटा स्किल्ड हो, स्किल्ड हो तो परफेक्ट हो, परफेक्ट हो तो एक्सपीरियंस्ड हो, भाई क्या हो मेरे प्यारे बेटे एक्सपीरियंस्ड हो, हैंडी हो यार, आपके हाथ में वो जादू है कि हर काम आगे आगे हो जाता है आपका। इसी प्रकार से आप अपने क्षेत्र में क्या बन गए बेटा, स्पेशलिस्ट बन गए, प्रोफिशिएंट बने लाडले, इफिशिएंट बन गए, इंडिजिनस यानी बेटा असाधारण, वेटरन और वर्ज दोनों का मतलब होता है बेटा जी मेरे अनुभवी, क्या मेरे भैया अनुभवी। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, कई बार मैंने बोला कई बार आपको कि यू शुड बी क्या बेटा, यू शुड बी वेल वर्ज्ड इन इंग्लिश, You should be well versed in English, के आपको जो है बहुत बढ़िया से well versed होना होगा बेटा, किसमें लाडले English में, तो well versed यानी बहुत अच्छा खासा अनुभव होना, काफी बढ़िया पारखी होना, ठीक है ना, तो versed यानी मेरे भाई पारखी, और versed को बेटा आप क्या बोलते हैं veteran, इसी को आप बोलते हैं accomplished, इसी को आप बोलते हैं worthy यानी योग्य, artful आप बोल देते हैं, आप बेटा इसी को deserving बोलते हैं, आप इसी को virtuoso बोलते हैं, virtuoso यानी बेटा गुणी, वर्ट्यूसो क्या होता है मेरे भैया गुणी होता है, और बेटा वर्ट्यूसो में तो आप सभी को याद है बेटा वर्च्यू, और इसका अपोजिट क्या होता है वाइस, वाइस का मतलब क्या होता है बेटा अवगुण, और वर्च्यू का मतलब क्या होता है बेटा जी गुण, तो भाई वाइस वर्च्यू यानी अवगुण का अपोजिट क्या होता है गुण, अब वर्च्यू से ही तो मैंने बना रखा है वर्च्यूसो, आप बोलोगे सर गुणी हो गया ये व्यक्ति, ठीक है भाई। और सबसे प्यारा बेटा एडेप्ट, इसे भूल तो नहीं गए ना, एडेप्ट यानी बेटा कुशल, देखो दोस्त आपको तीन शब्द पढ़ाता हूं, एक तो अडोप्ट करना यानी मेरे भाई गोद लेना, ठीक है, एक होता है बेटा एडी एपीटी एडेप्ट यानी कि चीजों को लेकर के एडजस्ट करना, समायोजित करना, और एक होता है बेटा एडीईपीटी एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है दोस्त कुशल,
भाई एडेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भैया, कुशल होता है। क्या होता है बेटा? कुशल होता है। इसका ठीक अपोजिट, एक तरफ आप बड़े अनुभवी हैं, बड़े पार्क हैं, आपके हाथ में वो जादू है, आहा क्या कहते हो, जैसे आपने देखा होगा जो पुराने हलवाई होते हैं, कॉन्फेक्शनर होते हैं, उनके हाथ में वो जादू होता है बेटा कि लोग बाग उंगली चाटते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा वो अनुभवी हो गए। तो आप उन्हें बोल सकते हैं क्या? डेफ्ट। आप उसी को बोल सकते हैं डेक्स्ट्रस, एड्रोइट, स्किल्ड, प्रोफिशियंट, या फिर बेटा परफेक्ट, एक्सपीरियंस्ड, हैंडी, स्पेशलिस्ट, प्रोफिशियंट, इफिशियंट, इंडिजिनरस, या फिर आपका वेटेरन, वर्स्ड, अकॉम्प्लिश्ड, वर्दी, डिजर्विंग, वर्ट्यूसो, और आपका एडेप्ट। ठीक है जी, इसके अपोजिट देख लीजिए भाई, अनहैंडी सीधा सीधा वर्ड है, क्लम्सी बेटा अनाड़ी होता है, फ्रेशर आप सभी जानते हैं, इनएप्ट बेटा अकुशल को आप बोलेंगे लाडले, इनएप्ट, इनकॉम्पिटेंस भाई इनकॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस यानी जो बेटा अकुशल है, क्योंकि कॉम्पिटेंट यानी बेटा निपुण, इसी से एक वर्ड यहां से ऐड कर दो, कॉम्पिटेंस से इधर उठा देता हूं, कॉम्पिटेंट, क्या बेटा? कॉम्पिटेंट यानी लाडले निपुण। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सीधा सीधा निपुण होता है। क्या होता है दोस्त? निपुण होता। तो इनकॉम्पिटेंस यानी बेटा अकुशलता, जिस व्यक्ति के अंदर पूरा पूरा अभी कौशल नहीं है, दैट इज सो कॉल्ड, वो अभी इनकॉम्पिटेंस है। अनएक्सपीरियंस्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टायरों से दिक्कत नहीं है आपको, नोवाइस, वन हु इज अनएक्सपीरियंस्ड इन हिज जॉब, ठीक है भाई। न्यूकमर सिंपल है बेटा, न्यूफाइट, ये तीनों चारों देखो एक ही है, ये वाले बल्कि पांचों सब एक ही बेटा, नो सीखिया भाई। कह लो अनाड़ी हो गए तो इसकी ट्रिक पढ़ाता हूं, काड़ू। काड़ू क्या है बड़ा? अनुभवहीन है भैया, अनडिजर्विंग है भैया, अनवर्दी यानी बेटा अयोग्य है, अप्रेंटाइस है, नोसी क्या है, अमेचर, शोकिया रूप से काम कर रहा है, आर्टलेस है बेटा, ऑब्नोक्सियस है, और ग्रीन हॉर्न है भाई। ग्रीन हॉर्न कह दो, वेट बिहाइंड द ईयर्स कह दो, कि कान के पीछे से अभी गीला है अपना लड़का। क्यों? क्योंकि अभी बहुत अनुभव नहीं हुआ दोस्त। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों वर्ड अभी तक क्लियर हो गए। मैं बड़ा बेटा नेक्स्ट वर्ड की तरफ, द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा वियर्ड। क्या वर्ड है दोस्त? वर्ड है बेटा जी मेरे वियर्ड। क्या है दोस्त? वियर्ड। वियर्ड यानी बेटा विचित्र, विचित्र यानी कि अजीब, अनोखा, ये किसी की विशेषता है। इस वजह से ये क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव है दोस्त। ये क्या है मेरे भैया? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव नहीं होता भैया, एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है। आते हैं संज्ञा नाम पर, पहला संज्ञा नाम बेटा बिजार होगा बेटा। क्या होगा? बिजार, बी आई जेड ए डबल आर, दैट इज बिजार। बिजार का मतलब होता है जो सबसे अलग हो, जो सबसे यूनिक हो, जो सबसे हटके हो, दैट इज सो कॉल्ड बिजार। अरे क्या कहोगे भैया? बिजार बोलोगे, जो चीज सबसे अलग है दिखने में, आप करो ये क्या बला है भाई, ये तो पहली बार देखा, ये है क्या आखिरकार, दैट इज बेटा वो बिजार है भाई। बिजार है तो लाडले पेक्यूलियर, पेक्यूलियर यानी विचित्र बेटा। ग्रोटेस्क, क्या बेटा? ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क यानी विचित्र, स्पेशली जो चीज बहुत भद्दी हो, अगली हो बेटा, उसको बोलते हैं आप ग्रोटेस्क, ठीक है ना। आप बोले छी हटाओ यार, इसको बहुत बुरा है, अजीब सही है तो कुछ, दैट इज बेटा ग्रोटेस्क, ठीक है। अगर भाई साहब विदेशी है, कोई चाइनीज बंदा तुम्हारे सामने आ गया, आपने बोला ये क्या है, इसकी नाक कहाँ है? अच्छा छेद तो नजर आ रहे हैं नाक के, अच्छा है नाक है, फिर आपने ध्यान रखा भाई साहब आंख खुली हुई है, बंद है, क्यों? क्योंकि बेटा वो एग्जोटिक है, वो विदेशी, आपको उसकी आंखें छोटी छोटी ऐसा लगेगा जैसे बंद है। हम लोग जितनी आंखें बंद करके सोते हैं ना, उतनी उनकी खुली होती है, और वो हमारी बराबरी करने चले, हालांकि कुछ चीजों में आगे भी है, तो उनको सबक सिखाना है, बढ़िया मेहनत करनी है यार बेटा। ओड हो गया, क्विंट यानी कि विचित्र, क्या बेटा? विचित्र। एसेंट्रिक यानी बेटा सन की, सबसे अलग, भाई साहब उससे बचो, जैसे किम जोंग उन है ना, कोरिया वाले, डर लगता है उनसे, पता नहीं क्या करवा बैठे महाशय वो, तो क्या वो एसेंट्रिक है? अलग ही है भाई साहब। स्ट्रेंज साधारण वर्ड बेटा। मार्वेलियस यानी शानदार, अनोखा, और ऑफ बीट। चलो इसका अपोजिट भाई साहब जितने डरावने तो उतने साधारण, ऑर्डिनरी हो गया, फैमिलियर हो गया भैया अपना, जनरल हो गया, मीडियोकर हो गया। मीडियोकर का मतलब होता है साधारण तबके का बीच का सा यार, ना बढ़िया ना बेकार। आप दुकान पे जाके क्या बोलते हो? भाई साहब कपड़े दिखा दो। वो बोला कैसे? मीडियोकर दिखा दो भैया, ना ज्यादा महंगे ना ज्यादा सस्ते, बीट के जो दिखा दो, तो वो मीडियो करें बेटा। हैकनेड घिसा पिटा, जो बहुत ओवरली यूज्ड हो, साधारण है। बैनल फिक्का, तुच्छ। मोडेस्ट मामूली, और बेटा न्यूगेटरी यानी लाडले व्यर्थ, साधारण, तुच्छ। न्यूगेटरी क्या होता है बेटा जी? व्यर्थ या फिर साधारण, या फिर बेटा जी मेरे सीधा सीधा क्या? तुच्छ। क्या होता है लाडले? तुच्छ हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अक्लेम, अरे जीवन में कुछ भी हो जाए, अगर इस शब्द को तुम गलत कर दो ना, तो आप जो कहो मैं वो हार जाऊं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? मैं बोला देखो किसी पे क्लेम मत करना बेटा, जीवन में हर किसी को क्या करना है? क्लेम करना, यानी हर किसी की क्या करना मेरे प्यारे दोस्त? प्रशंसा करना। तो एक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो प्रशंसा करने को आप क्या बोलते हो? एडमायर बोलते हो। आप क्या बोलते हो बेटा? प्रेज बोलते हो भाई। प्रशंसा करने को आप क्या बोलते हो बेटा? प्रेज बोलते हो। प्रशंसा करने को एडमायर हो गया,
आपका बेटा एक्लेम हो गया। इसी प्रकार से क्या हो गया, एक्कोलेड हो गया आपका भैया, एक्सटोल हो गया, एक्साल्ट हो गया, और एक्साल्टेशन यानी कि उमंग, ये बेटा नाउन है। ग्लोरीफाई हो गया, अप्लाउड हो गया, और अप्लाउड से ही क्या निकलेगा बेटा, लाउड निकलेगा। कूडोज हो गया, ईयूलॉजी हो गया प्रशंसा भाषण, और बेटा आपका टू हाइल यानी कि किसी चीज की शानो शौकत को बढ़ाने को आप बोलते हैं बेटा टू हाइल। क्या बोलते हैं लाडले, आप बोलते हैं टू हाइल। चलो कभी प्रशंसा करने में कोई कंजूसी करोगे, आप बोलोगे सर क्यों ही करेंगे, जब हमारे पास 10-10 शब्द हमें प्रशंसा करने के पता है तो हम क्यों कंजूसी करेंगे भैया। एक बार बोलो जरा, प्रेज, कूडोज, लाउड, अप्लाउड, आपका एक्सटॉल, एक्साल्ट, ग्लोरीफाइड, टू हेल, एक्लेम, एकोलेड, एडमायर, सारे शब्दों का एक ही मीनिंग है, प्रशंसा करना। चलो बेटा इसका अपोजिट देख लो भैया, स्लैंडर, यानी किसी को बेटा बिना मतलब अगर आप कलंकित करने की कोशिश करें, दैट इज स्लैंडर। आप बिना मतलब बदनाम कर रहे हैं, सिलेंडर फट जाता है, जबकि नॉर्मली नहीं फटता, जब आप बिना मतलब चुल्ल करते हो तब फटता है, तो सिलेंडर कर रहे हो यानी सिलेंडर की कोई गलती नहीं है, तो बेटा आप उसे बिना मतलब बदनाम कर रहे हैं। रेडिक्यूल बेटा मजाक उड़ाना, डिफेम किसी की छवि खराब करना, सेंश्योर आलोचना करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, रिब्यूक किसी को डांटना, डांटने को बेटा आप चाइड भी बोलते हैं, चाइड का मतलब भी क्या होता है, डांटना, ठीक है जी, चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है बेटा, डांटना। इनफेमी बेटा बदनामी होता है, डिसऑनर बेटा किसी के सम्मान में कमी करना, विलीफाई कलंकित करना, डिसडेन बेटा घृणा होती है, रिब्यूक गाली देना होता है, बैकबाइट निंदा करना होता है, और चेस्टाइज यानी बुरी तरीके से भाई साहब आपने लपेट दिया किसी इंसान को, दैट इज सो कॉल्ड लाडले चेस्टाइज। क्या मेरे भैया, अगर आपने किसी को बुरी तरीके से लपेट दिया, दैट इज सो कॉल्ड चेस्टाइज। बताइए मजा आ रहा है आज की इस रिवीजन में, है ना? चलो मजा आ रहा है तो बेटा लाइक जरूर कर देना दोस्त। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी हैं हमारी क्लास के प्यारे प्यारे अर्डेंट स्टूडेंट्स। आप कैसे स्टूडेंट्स हो भैया, अर्डेंट हो, अरे आप स्टूडेंट हो ना, तो आप क्या हो, अर्डेंट हो नहीं हो, हो नहीं हो। आप बोलोगे सर हैं, क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो अर्डेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, उत्साही। लाडले अर्डेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, उत्साही होता है, अरे जुनूनी होता है भाई, क्या होता है बेटा, जुनूनी होता है। लाडले आप इसी को कह सकते हैं जोशीला, क्या कह सकते हो आप इसी को, आप इसी को बोलेंगे जोशीला। तो आप ट्रिक बना चुके हैं, अर्डेंट यानी स्टूडेंट, और स्टूडेंट हमेशा क्या होना चाहिए, अर्डेंट होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब जुनूनी को क्या बोलेंगे, फरविड, बहुत बढ़िया, पर फरविड उससे बढ़िया जीलस, आप सभी जानते हैं सर, जील से निकला हुआ वर्ड है, जील का मतलब क्या होता है, जोश होता है, ठीक है भैया, तो जीलस यानी बेटा जोशीला। एंथुजियास्टिक यानी बेटा ये कहां से निकलता है, आपका एंथुजियाज्म से निकलता है, एंथुजियाज्म यानी बेटा जोश होता है, और एंथुजियास्टिक यानी जोशीला। कीन बेटा उत्सुक, जिसको आप लाडले ईगर बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, ईगर बोलते हो। पैशनेट, अरे जोश से लबालब मेरे भाई, हमारी और आपकी तरह, वो कहते ना अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आने चाहिए, तो वही चीज यहां पर आ गई बेटा। इंपेशेंट बेटा उग्र, ईगर में पढ़ा चुका हूं, इंपेशेंट सेम है बेटा, टॉरिड जो थोड़ा सा अपने काम को लेकर के बिल्कुल व्याकुल हो रखा हो। इसी प्रकार से इंडिफरेंट बेटा उदासीन है, इंपैसिव ढीला है, अपैथिक उदासीन है, फ्रिजिड बिल्कुल शांत है, और न्यूट्रल है भाई साहब, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, न सावन हरे न भादो सुखे, दैट इज सो कॉल्ड स्टोइक। वन इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज सो कॉल्ड, क्या मेरे लाडले, स्टोइक। और लो भैया आप में से कुछ बच्चे ये भी जरूर होंगे, है ना, स्पेशली लड़कियों के ऊपर ये वर्ड सूट करता है, हालांकि भाई सभी लड़कियां सेम नहीं होती, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। द वर्ड इज लाडले गरुलियस, आप बोलोगे सर पहले भी पढ़ाया था, बातूनी होता है भैया, क्या बेटा, बातूनी, बकवासी, वाचाल जो बहुत बोलता हो, उससे आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलेंगे, गरुलियस बोल देंगे, क्या बोल देंगे लाडले, गरुलियस बोलेंगे। तो बोलो भैया जो बोलने वाला व्यक्ति उसे क्या बोला, बातूनी, वाचाल, है ना, तो आपने क्या बोला, वर्बोस, क्या बेटा, वर्बोस, क्या लाडले, वर्बोस, यानी कि ये व्यक्ति क्या है लाडले, वाचाल है भाई, ये व्यक्ति क्या है लाडले, ये व्यक्ति है वाचाल। वाचाल को आपने क्या बोला, टॉकेटिव, क्या मेरे प्यारे बेटा, टॉकेटिव। बॉम्बास्टिक, आउट स्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस, वॉल्यूबल, नोइसी, ट्रिफलर, बताओ सारे शब्द याद है बेटा, नहीं है, कई बार पढ़ा रखे आपको, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें वॉल्यूबल, है ना, लॉक्वेसियस, चैटी, गैपी, माउथी, आउट स्पोकन यानी बेटा बड़ बोला, या जिसे आप साधारण हिंदी में बोलते हैं गांव समाज में मुंहफट, हमारे गांव समाज में इस व्यक्ति को बोलते हैं मुंहफट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जैसे यही नहीं तमीज की बात करनी, किसके सामने क्या है, होता है ना हर मोहल्ले में, हर गांव में एक दो लड़का ऐसा होता है जो बिल्कुल मुंहफट होता है, किसी को भी मुंह पे कुछ भी कह सकता है भाई,
लड़ने को बिल्कुल तैयार है। तो ये बंदा क्या बेटा, ये आउट स्पोकन है, मुंह फट है, इसको ये नहीं पता कहना क्या है तेरे को। इसी प्रकार से भाई बोम्बास्टिक जो बड़ी बड़ी बातें फेंके, टॉकेटिव बहुत बातों नहीं है बेटा, माउथ ही हो गया, गैबी हो गया, लाडली चेटी हो गया, लॉक्वेसियस, वॉल्यूबल, नोइसी, ट्रिफलर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई टेसिटर्न बेटा शांत, रिजर्व्ड शांत, स्पीचलेस शांत, साउंडलेस जानते हो, रेटिशेंट बेटा मौन। रेटिशेंट कौन होता है बेटा? मौन होता है, जिसको आप बोलते हो मेरे प्यारे बेटा मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स। क्या बोलते हो मेरे भाई? मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, क्योंकि अगर मैन ऑफ वर्ड्स हो गया तो अपनी जबान का पक्का हो जाएगा, लेकिन मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स यानी जो बहुत कम बोलता हो, ठीक है बेटा। टर्स, टर्स कंसाइज, क्विसेंट और रेटिशेंट दोनों सेम होते हैं मौन। वॉइसलेस जो आवाज ना करता, और पिथी यानी बेटा शांत। पिथी का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? शांत होता है। पिथी का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है। तो गरुलियस भी हमने निपटा दिया। बात आई भैया अपने एंटीक की तरफ। एंटीक यानी बेटा जो चीजें बड़ी पुरानी हो, प्राचीन हो, उन्हीं को आप बोलते हैं एंटीक। और मेरे लाडले एंटीक से आपका वर्ड निकलता है एंटीक्वेटेड, यानी भैया बहुत पुरानी, जो चीज अर्थात पुरानी, दैट इज सो कॉल्ड बेटा एंटीक। तो एंशियंट, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, प्रिमिटिव, आर्किक, प्रिस्टीन, ओल्ड, क्रॉनिक और बेटा प्री हिस्टोरिकल और विंटेज, इन सभी का एक ही मतलब है, दैट इज सो कॉल्ड क्या बेटा? इन सभी का एक ही मीनिंग निकलता है दोस्त, क्या? पुराना। इन सभी का एक ही मीनिंग निकलेगा मेरे भैया, क्या? अपना, पुरानी चीजें, ठीक है। सभी का क्या मीनिंग निकलेगा दोस्त? पुराना निकलेगा। चलो इसी प्रकार से इसका अपोजिट भी आप जानते हैं, मॉडर्न हो गया, लेटेस्ट हो गया, रिसेंट हो गया, आउटडेटेड हो गया। अपडेटेड है भाई, गलत मत कर देना। आउटडेटेड तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा? जो प्रचलन से बाहर हो गया, दैट इज आउटडेटेड। तो इसका अपोजिट होगा अपडेटेड। और बेटा इन वेग यानी लाडले प्रचलन में होना, लेकिन गलती से अगर मैं आपके सामने लिख दूं वोग, तो बेटा वोग का मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? अनक्लियर, जिसको आप बोलते हैं ऑब्सक्यूर। क्या मेरे बेटा? ऑब्सक्यूर यानी बेटा धुंधला, जिसको आप क्या बोलते हैं लाडले? मर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसी को आप मर्की बोल देते हैं। तो ये शब्द याद रखना, इन सभी का मतलब क्या है भाई? अनक्लियर यानी धुंधला, अस्पष्ट, जिसका अपोजिट भी आपको मैंने पढ़ा रखा है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है बेटा? एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। और कॉन्टेम्प्रेरी यानी बेटा समकालीन, जब दो चीजें कहते हैं सेम टाइम पे चल रही हो, उन्हीं को आप बोलते हैं लाडले कॉन्टेम्प्रेरी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉन्टेम्प्रेरी, ठीक है। रिविजन जरूर कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश भाई शानो रावत के मेरे टेलीग्राम पर और बेटा मेरी कम्युनिटी पर आपको मिलेगी, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक शब्द और पढ़ लो यार, वेन। ये शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है, पढ़ा भी रखा है आपको लाडले। वेन, वेन का मतलब किसी चीज की संख्या में कमी आना यानी बेटा पतन हो जाना। किसी चीज की संख्या में क्या होना बेटा? कमी होना, दैट इज पतन हो जाना। और पतन यानी कम करने को क्या बोलेंगे? अबेट। क्या बेटा? अबेट यानी कम करना। क्या मेरे लाडले? अबेट यानी बेटा कम करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीज हो गया, ड्विंडल हो गया, डिक्लाइन हो गया, डाउनग्रेड हो गया, फॉल हो गया, लेसन कम करना, और ये सेम हो गया। इसका अपोजिट बेटा एक तरफ चीजों की मात्रा या संख्या में कमी आई है तो अपोजिट बेटा वेक्स यानी वृद्धि, तो ये अपोजिट है, ठीक है। इंक्रीज, एनहांसमेंट, एनलार्जमेंट यानी बेटा बड़ा हो रहा है चीज, ग्रोथ हो गया। यूजमेंट बेटा वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से मैग्निफिकेशन, चीजों को आप मैग्निफाई कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। और फर्दरेंस यानी चीजों को आप और आगे लेकर के जा रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड फर्दरेंस। आप चीजों को और भी आगे लेकर के जा रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड आपका क्या हो गया भाई? फर्दरेंस हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बेटा? आपका फर्दरेंस हो गया। चलो यार आज के लिए यहीं पर ओवर करता हूं क्लास को। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो फिर कह रहा हूं दोस्त, वीडियो को लाइक करना, डेली शाम को 5 बजे आ जाया करो, ठीक है। और भाई इस संडे पूरी रात की मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं, तो जितने भी बच्चे मेरे साथ मेरा साथ देने को तैयार है बेटा, कॉमेंट बॉक्स में लिख देना 10,000+ लाइव अब की बार आने चाहिए भाई। मेरा आपसे ये एक तरीके से पूरा पूरा एक्सपेक्टेशन वाला भाव मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूं आपसे कल शाम को 5 बजे, ठीक है। बाकी परसों सैटरडे होगा, उसके बाद जब संडे आएगा तब बेटा मैराथन क्लास लाऊंगा। इस संडे पूरी इंग्लिश को खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा आप सभी के सामने, पूरा रिविजन आपको लाडले करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसे लाइक करके प्यारे प्यारे कॉमेंट कर दो, और पीडीएफ कहां मिलेगी आपको पता है। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।